क्योंकि हम खुशियाँ बांटते हैं और आगे भी खुशियाँ बांटते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खुशियों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहे, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। वेलकम इन एसटी के। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों, ये सौरभ डॉग चैनल, आपका अपना चैनल, आई एम योर दोस्त एंड योर होस्ट, एंड वी हैव अ वेरी स्वीट फैमिली फ्रॉम पटना कंकड़बाग। ये मनोज भैया हैं और ये मिसेज है उनकी, हाय भाभी, हेलो भैया, नमस्ते। ये चाचू है किनके, सीमांतनी के। एक्चुअली सीमांतनी का नाम बहुत ज्यादा यूनिक है। सीमांतनी, आपके नाम का मतलब क्या होता है? पापा बता दीजिए। लिमिटलेस मीन्स बाउंडलेस, जिसकी बाउंड्रीज ना हो ना, जिसकी सीमा ना हो। तो राइट नाउ वी हैव अ स्वीट फैमिली फ्रॉम पटना, सीमांतनी हमारे साथ में है। तो सीमांतनी, व्यूअर्स को हाय बोल दीजिए। हाय। सो सीमांतनी का एक छोटू सा नया फैमिली मेंबर जा रहा है। ये देखिए, बहुत 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 बढ़िया सा लैब है। तो सीमांतनी कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में। इसका नाम क्या है सबसे पहले? हाची। इसका नाम हाची हो गया है। और वो नाम हमने कहाँ से लिया है? एक मूवी देखी, इधर देख के बोलो। एक मूवी देखी थी हाची को, एक मूवी में देखा था हाची को। तो अब ये हो गया हाची को। हाय हाची को, हाय बेबी। तो कैसा लगा हाची को पहली बार देख के? बहुत अच्छा। तो वांट टू से समथिंग अबाउट दिस लैब, आई मीन अबाउट योर लैब। अब तो ये आपका है, एक्सप्लेन। फेस कैसा है? फेस पे पंच है, मींस बहुत प्योर है, अच्छा है। अच्छा, टेल मी व्हाई नॉट जर्मन शेफर्ड और रॉटवाइलर, व्हाई ओनली लैब? बिकॉज फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए, आपके एक वीडियो में आपने बताया था कि फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए लैब्राडोर बेस्ट रहता है। फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए लैब्राडोर बेस्ट रहता है, इसलिए इन्होंने लैब्राडोर को चूज किया। सो गाइज, हम आपको बता दें, ये जो लैबी है ये हमारे राजा और हमारी एंजल का बच्चा है। राजा और एंजल के बच्चे को आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और उस चैनल पे जो उस वीडियो का टाइटल है, वो टाइटल है सौरभ डॉग चैनल ट्रेनिंग, हाउ टू ट्रेन योर पेट्स। तो उसमें इसकी मम्मा है, एंजल नाम है, और इसका फादर का फादर है जिसका नाम टाइगर, उसके फादर, इसके फादर की पिक हम दिखा देंगे। तो ये टाइगर के बेटे का बेटा है, मतलब टाइगर जो उसमें दिख रहा है वो उसका दादू है बेसिकली, और इसकी मदर है एंजल, और बहुत ही फैंटास्टिक फीमेल है। तो बेसिकली हमारे घर का बच्चा है, जिसमें हमने थोड़ा सा बनारस को भी दिखाया हुआ है, बनारस के घाट भी उसमें हमने आपको विजिट कराए हुए हैं। तो ये वो पप्पी है। और मनोज भाई की बात करें तो इनकी बात तो, कब बुकिंग कराया था भैया हमारे पास? मैंने जुलाई 4th को बुकिंग कराया था, और ड्यू टू कोविड ओनली आई रिक्वेस्टेड फॉर 20th, अराउंड 20th और लास्ट वीक ऑफ ऑगस्ट, तो मुझे टाइम पे डिलीवरी मिली और कुछ हैसल भी नहीं हुआ। जस्ट जितने बार मैंने कांटेक्ट किया, फीडबैक भी मिला, देयर इज नथिंग टू से अबाउट एनी इनकन्वीनियंस, सॉर्ट ऑफ इनकन्वीनियंस। सो इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर। सो आई बिलीव कि बहुत जल्दी ये जब अपने घर पे जाएगा, हची इज अ मेल, सो हमें बहुत अच्छा सा फीडबैक वीडियो मिलेगा। तो आप देख सकते हैं पूरी फैमिली आई है, बट टुडे इज संडे, सो लॉकडाउन का टाइम है, हम इन्हें कहीं विजिट भी नहीं करा सकते, कहीं घुमा भी नहीं सकते, अदरवाइज हम भैया भाभी को और छोटे वाले भाई साहब को और सीमांतनी को भी लेकर के कहीं जाते हैं, विजिट कराते हैं, घाट घुमाते, बनारस दिखाते। बट बहरहाल फिलहाल तो हची को जा रहा है अपने घर पे, सो हची को वॉन्ट्स टू से टाटा बाय बाय। तो जब भी एक नया पपी लें, सबसे पहले आप उसको खिला पिला कर, दौड़ा भगा कर चेक कर लें, सो दैट यू विल गेट की यू विल नो की हाँ ये पपी सही है या नहीं। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, जब भी लेने जाते हैं ना खुश हो जाते हैं, बस लिया और चल दिया। उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है कि एक्साइटमेंट आप पपी को ले लेते हो, उसमें आपको पता नहीं चलता पपी बीमार है, लेजी है, थिन है, लूज मोशन कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है। सो करना क्या चाहिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, आधा घंटा बैठिए उस ब्रीडर के घर पे, उस शॉप पे, उसके ऑफिस में, कहीं पर भी आप उसकी एक्टिविटी देखिए, उसको खाना खिलवाइए, अगर आपके सामने पॉटी कर ले तो वेल गुड है। एक हेल्दी पपी, चाहे वो किसी का भी पपी होता है, लाइक लैब्रा, जर्मन, पॉम, हमेशा एक्टिव होना चाहिए। मतलब अगर वो खा नहीं रहा है, सो जा रहा है, अगर आपसे वो ब्रीडर कह रहा है बार बार कि भैया अभी तो खाया है, अभी तो खाया है, अभी बाद में खाएगा, तो आप वेट कर लीजिए आधा एक घंटा, अपने सामने खिलाकर
चेक कराकर, टेस्ट कराकर, एक्टिविटी देखकर ही हमेशा लीजिए। और दो चीज जरूर पूछिए कि इसकी वैक्सीन हुई है कि नहीं, पूछिए, नहीं नहीं हुई है। दूसरी चीज पूछिए इसकी डिवॉर्मिंग हो रखी है कि नहीं, हाँ इसकी डिवॉर्मिंग हो रखी है, तो सो दैट आप अगली बार डिवॉर्मिंग यानी कि पेट के कीड़े की दवा टाइम टाइम दे दें। अदरवाइज ये लोग क्या करेंगे, ये जाएंगे आपके बेडरूम में, आपके घर में, आंगन में, नाली के पास जाके लीक करेंगे, कोने कोने का डस्ट लीक करेंगे, मिट्टी खाएंगे, छत पे जाएंगे गमले में से मिट्टी खाएंगे, तो वॉर्म्स होने से पेट में ये सारे इश्यूज है, फिर आंख में से कीचड़ आएगा, फिर इसको गैस की प्रॉब्लम होगी, तो डिवॉर्मिंग से बहुत इश्यूज होते हैं। तो अभी ये जा रहा है पटना, मैं आपको पप्पी को दिखा दूं, इसका जीभ थोड़ा सा लंबा है, ये जीभ ऑलरेडी निकाला हुआ है बंद मुंह करने के बाद भी, विच लुक्स क्यूट। सो गाइस देख सकते हैं आप, इसका छोटा सा जिब्बू निकला हुआ है, छोटू सा जिब्बू है। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल ऑफ यू, आपके फैमिली में सर ये नया फैमिली मेंबर जा रहा है, ये लीजिए सामान तो नहीं। और हम विश करेंगे ये फैमिली वैसे ही स्वीट, क्यूट और प्यार से रहे। एक्चुअली जब भी भैया लोग आए मुझे नहीं पता था वही है, तो मैं यहाँ से निकला हूँ और मुझे लगा कि कुछ आके पीछे देख रही है मुझे, तो आई वाज लाइक चलो यार कोई होगा। फिर जब वापस आया तो मुझे पता चला अच्छा भैया ही है। फिर सीमांतनी आए, और सीमांतनी कौन से स्कूल में आप? ओके, क्या नाम है स्कूल का? द मालिनियाई स्कूल। द मालिनियाई स्कूल में है सीमांतनी, एंड विच स्टैंडर्ड? ग्रेड फिफ्थ में है सीमांतनी। और सीमांतनी आप अपने चार पांच छह जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके नाम बताइए, उनको हेलो बोल दीजिए, क्या क्या नाम है उनके? दीजिए मैं बताऊँ, आयुष, हाय आयुष, राघव, हेलो, अमर्त्या, हाय। अच्छा तीनों बॉयज है, सीमांतनी गर्ल है, इनके तीनों फ्रेंड बॉयज है, कोई भी गर्ल वाली फ्रेंड नहीं है? अच्छा नहीं होता है, प्रियांशी, हेलो प्रियांशी। तो चारों लोगों को हेलो, सीमांतनी बनारस से आपको हाय कर रही हूँ। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो सीमांतनी को हाय बैक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि पता है ये वाली जो फ्रेंडशिप है आप लोगों की, राघव और क्या क्या, प्रियांशी, आयुष, अमर्त्या, तो ये बचपन वाली होती है, कभी भूलते नहीं है। और ये पता है ये वर्ल्ड वाइड टेलीविजन से बड़ा है, क्योंकि यूट्यूब सब लोग देखते हैं, इवन हमारे व्यूवर्स ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कतर और बैंकॉक, सिडनी, हर एक जगह पे हैं, तो सारे लोग आपको देख रहे हैं। तो दैट्स अ बिग थिंग कि सीमांतनी ने आपका नाम लिया है, क्योंकि ये आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो देखने में बहुत मजा आया होगा, और गर्मी आज बहुत ज्यादा है तो मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, भैया लोग को भी बहुत सारी बातें बतानी है, और सीमांतनी को भी टाटा बाय बाय करना है, और हचिको को भी, मैं इसको बहुत मिस करूंगा। आपको पता है ये हमारे एंजल और जो राजा है उसका, उसके तीन ही पपीज हुए थे, उनमें से ये वन ऑफ द सिंगल मेल है और दो फीमेल थी, तो उसमें ये सिंगल मेल है, एंड दिस वन इज द फर्स्ट मेल, मतलब अपनी मम्मा का पहला बच्चा है ये। अरे ऐसे ही, बट फीमेल है इसकी, इतनी बड़ी बड़ी है, ये मेल है तो थोड़ा सा ज्यादा हेवी है, बल्कि है, और ये बहुत ज्यादा नॉटी है। सो वीडियो को गाइस लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिए, और हाँ अपनी टैग लाइन है, हम खुशियां बांटते हैं, क्या सीमांतनी? हम खुशियां बांटते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब सीमांतनी ने भी बोल दिया है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो गाइस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।